शहर में कोरोना प्रकोप दिन बर दिन बढ़ रहा है। कोरोना बढ़ते संक्रमण को देख प्रशासन ने 7 दिन की लॉकडाउन की घोषणा की है। शहर की इस परिस्थिति में शहर मेडिकल अस्पताल में एक बड़ी घटना सामने आई है। शनिवार को सुबह मेडिकल के कोरोना रूम से एक मरीज भाग गया और शहर में एक और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरी ओर ऐसे लापरवाही से कोरोना पेशेंट भागने में सफल हो रहे हैं। एक 27 साल का लड़का है, वो हिंगनघाट एरिया में गाँव है, वहाँ पे रहता था। उसका फरवरी में एक्सीडेंट हुआ था और फरवरी में एक्सीडेंट होने के बाद उसको जो हेड इंजरी हुई उसकी ट्रीटमेंट भी हुई होगी और ट्रीटमेंट होने के बाद उसको अभी एक कुछ दिन पहले वो प्राइवेट में दिखा है, वहाँ पे शायद एडमिट भी था और वहाँ पे कोविड के टेस्ट किए उन्होंने और कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण हमारे शासकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे वो 11 तारीख की रात में यानी 12 की सुबह 12:50 पर भर्ती हुआ और फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू थी और आज सुबह 7 बजे दूसरे जो पेशेंट के रिलेटिव कोविड पेशेंट के रिलेटिव हुए उनके साथ उनके पीछे पीछे वो चलते गए और बाद में शायद उनकी एक कोई एक रूम है किराए से लिए वो चिंद भवन में वहाँ पे मिला है। हमारे जवान भी वहाँ पे गए और वो उनको वहाँ पे मिला है। नहीं, वो यहाँ पे एडमिट था तो उसकी मानसिक स्थिति स्टेबल नहीं थी ऐसा डॉक्टर का कहना था, तो उसके हिसाब से वो पेशेंट के रिलेटिव और सबको पता था, पहले भी बता चुके थे, तो ये रिलेटिव को भी बगैर बताए वो यहाँ से निकल गया। तो उसकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं उसके कारण गया, उसको अभी समझा के उसको यहाँ लाने वाले।